लालू प्रसाद यादव की एक झलक पाने लोग दूर दूर से पटना पहुंच रहे हैं। हर शाम 5 से 7 लालू प्रसाद 10 सर्कुलर रोड यानी कि राबड़ी आवास पर अपने समर्थकों से मुलाकात करते हैं और लालू प्रसाद यादव की महज एक झलक के लिए हजारों की संख्या में हर रोज समर्थक पहुंचते हैं। मगर नजारा तो दुर्लभ तब हो गया जब एक विकलांग व्यक्ति जो दोनों पैरों से असमर्थ था वो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने पहुंचा। इस दिव्यांग ने लालू प्रसाद यादव की ओर एक माला बढ़ाया और कहा कि मैं आपको माला पहनाने बहुत दूर से आया हूँ। तो लालू जी ने कहा कि अभी आपके दिया हुआ माला हम नहीं पहन सकते क्योंकि कोरोना की दिक्कतें हैं। तभी लालू प्रसाद यादव के पीएसओ ने वह माला लेकर टेबल पर रख दिया और उसके बाद इस दिव्यांग ने अपनी बात कही कि समाज को लालू यादव जैसे नेता की जरूरत है, आप जेल में हैं तो हम, हमारे समाज और जो गरीब तबका है वो बेहद ही दुखी है और हम हर रोज यह विनती करते हैं या प्रार्थना करते हैं भगवान से कि वो आपको जल्दी से जल्दी स्वस्थ करे और जल्दी से जल्दी जेल से बाहर भी लेकर आए। इसको सुनकर लालू प्रसाद यादव खूब प्रसन्न हुए मगर पीछे खड़े समर्थकों की भीड़ देख उन्होंने कहा कि जी मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, अब आगे भी बढ़िए और लोग जो हैं उनसे भी मुलाकात करने का वक्त दीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप मेरे लिए इतनी दूर से आए हैं। बस लालू यादव को इतना कहना था कि यह दिव्यांग व्यक्ति खूब उत्साहित हो गया और फिर आगे बढ़ता चला। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखते ही बन रही थी कि राजद सुप्रीमो और गरीबों का मसीहा कहे जाने वाले लालू प्रसाद यादव ने उनसे लगभग 1 मिनट तक बातें की। इसी तरह अलग अलग जगह से हजारों की संख्या में समर्थक जो है वो पहुंच रहे हैं, हाथ जोड़कर लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद लेते हैं और थोड़े अस्वस्थ थोड़े कमजोर लालू उन्हें आशीर्वाद देते हैं, उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं और एक एक कर सबको अपना दर्शन देते हैं। इस दर्शन मात्र ही 10 सर्कुलर रोड के बाहर सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक भीड़ लगी रहती है और तब वो मौका आता है जब इन लोगों को 10 सर्कुलर के भीतर एंट्री मिलती है और लोग एक एक कर लालू प्रसाद यादव के दर्शन करते हैं। आप लाइव बिहार के साथ बने रहे, अपडेट और खबर हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।